ये है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, यानी ये एक ही डिवाइस टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकती है। ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी इस डिवाइस को सप्लाई करती है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस डिवाइस को आप हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक पोल्ट्री फार्म है तो इनक्यूबेटर्स के लिए ये डिवाइस एकदम परफेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग, स्पेसिफिकेशन, कनेक्शन सेटिंग्स और वर्किंग देखने वाले हैं। तो आपके बिजी शेड्यूल का ध्यान रखते हुए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। यह है इस कंट्रोलर का बॉक्स। बाहर निकाल लेते हैं कंट्रोलर को। मैनुअल है इसके साथ, डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है वैसे इसमें, लेकिन वीडियो देखोगे तो मैनुअल पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेन यूनिट को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ मॉडल नंबर मेंशन है STC3028। वैसे हमने टेम्परेचर कंट्रोलर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर इन इंडिविजुअल कंट्रोलर्स पर भी सेपरेट वीडियो बनाई है, आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ दो डिस्प्लेज हैं और चार बटन्स हैं। ऊपर की साइड में वायरिंग डायग्राम दी हुई है। ये सेंसर है, बैक साइड खोलता हूँ। यहाँ चार पॉइंट्स है। ये है 230 वोल्ट्स AC पावर इनपुट। यहाँ सेंसर ऑलरेडी लगाया हुआ मिलता है। यहाँ कनेक्ट करना है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाले डिवाइस, यानी ये ह्यूमिडिटी का आउट है और ये है टेम्परेचर का आउट। यहाँ आप टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली डिवाइस लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ RH परसेंटेज लिखा है, यानी ह्यूमिडिटी, और ये डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर। यहाँ सेंसर और ये है पावर सप्लाई। इंटरफेस की बात करें तो यहाँ दो डिस्प्ले हैं। यहाँ 1 नंबर प्रिंटेड है, यहाँ 2 नंबर प्रिंटेड है। यह है 1 नंबर प्रिंटेड अप एंड डाउन बटन्स और यह है 2 नंबर प्रिंटेड अप एंड डाउन बटन्स। 1 नंबर है टेम्परेचर के लिए, तो ऊपर वाले बटन्स है इस डिस्प्ले के लिए जो है टेम्परेचर का, और नीचे वाले बटन्स जो 2 नंबर के हैं वो इस डिस्प्ले के लिए है जो ह्यूमिडिटी इंडिकेट करता है। ये आउट LED इंडिकेटर है टेम्परेचर के लिए और ये आउट LED है ह्यूमिडिटी के लिए। सेंसर सफिशियंट लंबाई के वायर के साथ आता है। तो चलिए कनेक्शंस देखते हैं। अभी यहाँ मैंने ये सब लिया है, ब्लैक मल्टीमीटर टेम्परेचर के लिए और येलो मल्टीमीटर ह्यूमिडिटी के लिए। ये कंट्रोलर, ये पावर सप्लाई के लिए वायर और ये है माइनस स्क्रू ड्राइवर। तो सबसे पहले येलो मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं। इसे मैं ह्यूमिडिटी के साइड में कनेक्ट करता हूँ। कंटिन्यूटी मोड पर हम इस डिवाइस की ऑपरेशन चेक करेंगे, क्योंकि इसमें एक रिले होता है जो 10 एम्पीयर तक का लोड हैंडल कर सकता है। अब दूसरा मल्टीमीटर कनेक्ट करने से पहले मैं पावर सप्लाई की केबल कनेक्ट करता हूँ। कनेक्शंस ध्यान से करना है। मल्टीमीटर से चेक करते हैं कनेक्शन शॉर्ट तो नहीं है। ओके, अब ब्लैक मल्टीमीटर को टेम्परेचर की साइड में कनेक्ट करता हूं मैं। तो दोस्तों कनेक्शंस कंप्लीट है। अब मैं करता हूं पावर सप्लाई ऑन। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर का डिस्प्ले रेड कलर का है और ह्यूमिडिटी का डिस्प्ले ब्लू कलर का है, इजीली डिस्टिंग्विश हो इसलिए। यहाँ दोनों की आउट LEDs ऑन है, क्योंकि इसमें जो सेटिंग होंगी वो हमें नहीं पता। तो चेक करते हैं टेम्परेचर की सेट की हुई मिनिमम वैल्यू है 31 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम वैल्यू है 35 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए ये आउट LED ऑन है। अब ह्यूमिडिटी की वैल्यू चेक करते हैं। मैक्सिमम है 80% और मिनिमम है 60%। तो टेम्परेचर की सेटिंग करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर सेट करने के लिए अप एरो को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है जब तक डिस्प्ले फ्लैश नहीं करने लगता। ओके, अब जल्दी से वैल्यू सेट करना है क्योंकि ये डिस्प्ले ज़्यादा टाइम फ्लैश नहीं करता। मैं सेट करता हूँ 33 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर रुकना है क्योंकि ये ऑटो सेव हो जाता है। हो गया, अब मैक्सिमम वैल्यू सेट करते हैं। प्रोसीजर सेम है, प्रेस एंड होल्ड। मैं सेट करता हूँ 34 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया ऑटो सेव। अब ह्यूमिडिटी की मैक्सिमम वैल्यू सेट करने के लिए अप एरो को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। तो ह्यूमिडिटी की मैक्सिमम वैल्यू मैं सेट करता हूँ 75 डिग्री सेल्सियस। हो गया, अब मिनिमम वैल्यू सेट करता हूँ। यहाँ 60 सेट है, मैं सेट करता हूँ 65। रुकना है, ये हो गया ऑटो सेव।
एक बार क्रॉस चेक करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम ह्यूमिडिटी 65% और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 75%। कूल, यहाँ दोनों आउट LEDs ऑन रहेंगी अभी क्योंकि टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी भी 75% से ऊपर है। अब टेम्परेचर वाले मल्टीमीटर को ऑन करता हूँ। ध्यान दे, यहाँ 000 का मतलब है ऑन और 1 का मतलब है ऑफ। ह्यूमिडिटी वाला मल्टीमीटर भी ऑन ही होगा। ओके, अब मैं ड्रायर की हेल्प से वैल्यूज चेंज करता हूँ। ह्यूमिडिटी कम होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। ध्यान दे नंबर्स पर, 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते ही टेम्परेचर वाली डिवाइस यानी जो मल्टीमीटर है वो ऑन होगा और 65% से नीचे जाते ही ह्यूमिडिटी से कनेक्टेड मल्टीमीटर ऑफ होगा। ओके, टेम्परेचर ऑफ। अब ह्यूमिडिटी पर ध्यान दे। हो गया ऑफ। तो ह्यूमिडिटी एलईडी ऑफ, मल्टीमीटर ऑफ, टेम्परेचर एलईडी ऑफ, मल्टीमीटर ऑफ। अब मैं सेंसर पर माउथ से एयर ब्लो करता हूँ, उससे टेम्परेचर कम होगा और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। 75% पर पहुँचते ही ह्यूमिडिटी डिवाइस यानी जो मल्टीमीटर है वो ऑन होगा। ये देखिए ऑन हो चुका है। अब कंटिन्यू करता हूँ। टेम्परेचर पर ध्यान दे, 33 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचते ही टेम्परेचर वाली डिवाइस भी ऑन होनी चाहिए। ये देखिए ऑन हो गई है। वापस ड्रायर की हेल्प से इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, साथ ही ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं, तो दोनों ही डिवाइसेस ऑफ हो जाएंगी। ये देखिए ऑफ हो चुकी हैं, डिवाइसेस वर्किंग परफेक्ट। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर की सेटिंग्स वर्किंग सब समझ में आ गई है। ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी इस डिवाइस को सप्लाई करती है, जिनका कॉन्टैक्ट डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस प्रोडक्ट की डायरेक्ट परचेस लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। किसी भी प्रोडक्ट के पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें DM कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल या सुझाव होंगे तो हमें कमेंट करना ना भूले। अगर हमारा कंटेंट आपकी लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड करता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप ही को दिखेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।